यूएस न्यूक्लियर स्ट्रेटजी 1945 में जुलाई के महीने में अमेरिका ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया। तत्पश्चात कुछ ही दिनों में चूंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार समाप्ति की ओर था, और उसने अपने परमाणु बमों का प्रयोग जापान के दो नगरों पर सक्सेसफुली किया, जिसमें एक हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो सुंदर नगर पूरी तरीके से तबाह हो गए। ये अमेरिकी परमाणु बम का पहला प्रयोग था, और इसकी जो स्ट्रेटजी है वो रिजर्व द राइट टू यूज, ये इसका, जैसे बहुत सारे संस्थाएं होती हैं उसका ध्येय वाक्य होता है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियराइज स्टेट हैं वह, जैसे भारत का है नो फर्स्ट यूज, चाइना का है नो फर्स्ट यूज, पाकिस्तान का मैसिव रिटेलिएशन, और इसराइल का है डेलिब्रेट एम्बिगेटिंग। तो इस तरीके से अमेरिका का है रिजर्व द राइट टू यूज। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जापान पे जब अमेरिका ने बम गिराया तो वहाँ की भयावहता को लोगों ने देखा, और इसकी विनाशक क्षमता जो थी उसको सभी ने महसूस किया। इसके पश्चात वर्ल्ड वार सेकंड समाप्त हो गया, यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड समाप्ति के एक आधार पे था, तब तक अमेरिका ने अपने परमाणु बमों का प्रयोग कर लिया। कारण यह था कि ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी कॉलोनियां थी, बहुत सारे देशों में इनका शासन था, और शासन को ये कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से समस्याएं आती गई और पूरी तरीके से इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार समाप्ति की ही ओर था, लेकिन अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। लेकिन ये समझ में नहीं आया, अभी भी ये हद से ही बना हुआ है कि जब वर्ल्ड वार समाप्ति की ओर है तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका की जो सपोर्टर कंट्री, जो उनको अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने इसलिए किया कि उसको अपने रीजन में या साउथ एशिया रीजन में या पूरे वर्ल्ड में उसको अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की, कि हम जो है किस तरह से अपनी आगे आने वाली भूमिका को, विश्व में आने वाली भूमिका को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अमेरिका जो है अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना शुरू किया। और अब वर्ल्ड वार सेकंड में ये देखा गया कि जो यूएसएसआर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये एक साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन आगे आने वाले समय में रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ता गया। कारण यह है कि जो कि अमेरिका जो है पूंजीवादी गुट का समर्थक था, रूस जो है साम्यवादी गुट का समर्थक था। तो पूंजीवाद में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो अमेरिका था वहाँ पे सभी, मतलब सभी संस्थाएं एक तरीके से देखा जाए तो प्राइवेटाइज थी, यानी वो प्राइवेट सेक्टर में थे, यानी वहाँ पे जो नौकरी है सब कुछ है वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन रूस में ऐसा नहीं था, रूस में आपका घर भी सरकार का है। समयावधि व्यवस्था के अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि रूस जो है वो साम्यवाद पर हो सकता, साम्यवाद का प्रसार चाहता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ ये कि विश्व दो खेमों में बट गया। अब एक का नेतृत्व साम्यवादी रूस करना शुरू कर दिया और दूसरे का नेतृत्व अमेरिका करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका की नीति थी, पॉलिसी थी कि ज्यादा से ज्यादा देश जो हमारे पूंजीवाद के समर्थक हैं वो हमारे गुटों में शामिल हो। तो इस तरीके से अमेरिका ने नाटो, यूरोप में एक नाटो, सीटो और सेंटो, इस तरह के ग्रुप का निर्माण कराया, विभिन्न देशों में अपने
किसी न किसी माध्यम से और अपने सोर्सेज के द्वारा उन पर अपना प्रभुत्व कायम करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। रूस भी अपना गुट बनाना शुरू किया जिसमें वारसा पैक्ट का नाम आता है। तो अब उसी के पश्चात अब दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है 50s के बाद। और शीत युद्ध क्यों प्रारंभ हो जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि पूंजीवाद और साम्यवाद को लेकर ये मतलब एक विचारधारा इनकी जो थी उन विचारधारा को इन लोगों ने एडॉप्ट किया और उस विचारधारा के अंतर्गत छोटे छोटे जो इनके सेटेलाइट्स हैं जो पिछले वो देश हैं उनको ये जोड़ना चाहते हैं। और इनका तो बेसिकली काम ये था, अमेरिका का चूँकि पूंजीवाद का हिमायती था तो अमेरिका ये चाहता था कि मतलब अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार चाहता था क्योंकि जो भी उसके पास वेपन्स वगैरह जो भी वो निर्माण करना शुरू कर दिया था। हालांकि हम लोग तो अमेरिका 45 में जब परमाणु बम गिराया जापान पे तब से उसको जानते हैं कि सुपर पावर, लेकिन उसके पहले से भी अमेरिका के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। अमेरिका चूँकि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया, अगर वो जानता कि इतना खतरनाक देश होगा तो शायद कोई सोचता भी नहीं और उसका कोई भी नहीं करता। लेकिन फिर अमेरिकी जो अमेरिका की जो नीतियाँ थी वह पूंजीवाद और साम्यवाद का दोनों का टकराव आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आया कि रूस जो है क्यूबा एक क्राइसिस आ गया 1962 में, वहीं से मतलब शीत युद्ध अपने पीक पर आ गया। क्यूबा क्राइसिस के बारे में आप लोग जानते होंगे 1962 में। और जब शीत युद्ध हुआ तो फिर उसके बाद ये बर्लिन की समस्या कई तरह की समस्याएं प्रारंभ हो गई। उसके बाद 1969 में साल्ट प्रथम हुआ। साल्ट प्रथम हुआ तो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और रूसी प्रेसिडेंट ब्रेजनेव के बीच में साल्ट फर्स्ट समझौता हुआ। और इसमें हुआ कि हम लोग अपने हथियारों का में परिसीमन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि साल्ट का मतलब हुआ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टाउन, मतलब ये 1969 में हुआ। इसके बाद 1972 में निक्सन तो नहीं थे, जिमी कार्टर प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के और रूसी राष्ट्रपति नहीं बदले, रूसी राष्ट्रपति ब्रेजनेव थे। ब्रेजनेव के बीच में फिर 1972 में साल्ट सेकंड समझौता हुआ, मतलब परिसीमन वार्ता हुआ, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परिसीमन वार्ता हुआ। इसमें भी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के चर्चा हुई और कटौती की बातें हुई। इसी तरीके से जब और भी सत्ता परिवर्तन हुआ, अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए और बुश के भी मिखाइल गोर्बाचेव, इन लोगों के बीच में भी वार्ता। इनसे पहले अमेरिका में बुश के पहले रोनाल्ड रीगन आए। रोनाल्ड रीगन ने SDI के बारे में आप लोग जानते होंगे, SDI मतलब स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव जिसको हम कहते हैं, जो उनका कार्यक्रम था स्टार वार कार्यक्रम चलाया और जिसमें आवास वगैरह इस तरीके का विमानों का उन्होंने प्रदर्शन किया तो और दुनिया को दिखाया कि हम स्टार वार कार्यक्रम में सबसे अग्रणी भूमिका में हैं और हम विश्व में अपना प्रभुत्व कायम कर सकते हैं। यानी कि उनको दूसरे शब्दों में कहना था कि हम महाशक्ति यूं ही नहीं बने, हमारे पास वैसा संसाधन थे कि जिसके कारण जो है हम महाशक्ति बने। फिर उसके बाद जो है आता है रिकवरी शिखर वार्ता होती है जो रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच में होती है। इस वार्ता में भी शस्त्रों की कटौती से संबंधित बातें होती हैं,
समझौता होता है, लेकिन अब शस्त्रों की कितनी कटौती हुई या अब तो आने वाला समय खुद बताता है कि ये लोग जो भी वार्ताएं हुई उसके द्वारा कुछ विश्व समुदाय पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा इनके इन समझौतों वार्ताओं का। लेकिन हमारे ख्याल से जो भी इन लोगों के बीच समझौता वार्ता हुई ये हथियारों की कटौती के बारे में तो किए, जैसे डिसआर्ममेंट और आर्म्स कंट्रोल के बारे में वार्ताएं हुई शीत युद्ध के दौरान, तो जो इनके पास हथियार थे कि हम इस रेंज तक के यहाँ तक के हथियारों में कटौती करेंगे, हालांकि वो वहाँ तक हथियारों की कटौती हमारे ख्याल से नहीं किए, वो अपने पुराने हथियारों को जरूर नष्ट किए और दिखावे का ही प्रयास था कि हम अपने वार्ता और समझौते वार्ता के माध्यम से शस्त्रों का परिसीमन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आता है स्टार्ट स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये फर्स्ट आता है 92 में और इस समय रूस के प्रेसिडेंट रहते हैं बोरिस एल्सिन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में वार्ता होती है शस्त्रों के परिसीमन से संबंधित, और फिर इसी क्रम में फिर दूसरी स्टार्ट होती है 96 में, और आज तक इन वार्ताओं का दौर जारी है। यानी स्टार्ट के सेकेंड थर्ड फोर्थ तक लगभग वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन इन स्टार्ट के समझौतों का कोई मतलब अभी तक नहीं निकल पाया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी वार्ताएं हुई हैं वह करीब करीब पूरी तरीके से या आंशिक रूप से विफल रहे हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर स्ट्रेटजी से रिलेटेड हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि अमेरिका जो है वह अपनी जो पॉलिसी अडॉप्ट किया ट्रायड, मतलब जो इनके ट्रायड जो पॉलिसी है उसमें है मैन बॉम्बर, आईसीबीएम और एसएलबीएम, यानी कि इसको हम न्यूक्लियर ट्रायड बोलते हैं। आईसीबीएम से आप समझते होंगे कि चूंकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एसएलबीएम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब आप एक त्रिभुज बनाइए, ऊपर मानव बॉम्बर्स, लेफ्ट साइड में आप आईसीबीएम, राइट साइड में आप एसएलबीएम्स को लिखिए और ये आपका ये न्यूक्लियर ट्रायड। इसके बाद आता है न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब अमेरिका चूंकि अपनी एनर्जी के लिए जैसे जितने भी मतलब देश हैं वो गल्फ कंट्रीज के आयरन और पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी तो अपना इसका एक सोर्स हो गया, लेकिन जो चूंकि एनएसजी का मेंबर है और एनएसजी के जो कंट्रीज हैं उसके द्वारा अमेरिका को यूरेनियम, थोरियम या अन्य जो मिनरल्स हैं वो सब प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अन्य स्रोतों की वजह से आयल का इन्होंने कुवैत में, इराक में और अन्य जैसे गल्फ के अन्य जो देश हैं वहाँ से भी आयल के सोर्सेज को इन्होंने अभी भी तलाशना शुरू कर दिया है, और इनकी मतलब क्षमता ये है कि हम करीब करीब अपने पास 40 ईयर्स का लगभग 40 वर्षों तक का रिजर्व रखें, मतलब इनका ये फ्यूचर प्लान है कि 40 वर्ष तक के रिजर्व भंडार को हम अपने यहाँ रिजर्व रखें। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन। फिर इन्होंने न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन बनाया और उस कमीशन में जो इनका डीओडी है डिफेंस का जो इनका हेडक्वार्टर है उसमें इनका है, और ये जो यहाँ से इनका जो न्यूक्लियर का जो रेगुलेटरी कमीशन बनाया है
उसके द्वारा ये अपना सभी कहाँ से हमको किस सोर्सेज से थोरियम और किस सोर्सेज से हमको यूरेनियम, ठीक है, और अन्य जो मिनरल्स जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में प्रयोग होते हैं, उस कमीशन का काम था कि इसको किसी तरीके से मतलब उसकी मॉनिटरिंग करना, उसका देखभाल करना। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके बाद हथियारों का निर्माण कहाँ प्रयोग करना है, इस तरह का पूरा इनका प्लान है। और फिर इसके बाद इनका एक आता है न्यूक्लियर रिएक्टर रेगुलेशन, न्यूक्लियर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सोर्स का भी इनका एक डिपार्टमेंट है। सर, न्यूक्लियर रिएक्टर कमीशन रेगुलेशन, सर न्यूक्लियर रेगुलेशन कमीशन और न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन का अलग है? हाँ, दोनों अलग है। जो मतलब अपने ये कहने का मतलब है कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो न्यूक्लियर वेपन्स का जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और उसकी जो ट्रेटीज है वो रेगुलेटरी बॉडी जो है उसको मतलब गवर्न करेगी। अमेरिका जो है इसकी भी नीतियाँ बहुत सारी नीतियाँ परमाणु से संबंधित स्पष्ट नहीं हैं, जिसको हम जैसा कि अभी बताया कि जैसे इजराइल का एलिवरेट एम्बिगुइटी है, उसी तरीके से अमेरिका का, तो इस वजह से अमेरिका के बारे में भी विश्व समुदाय को अमेरिका की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे कि 1945 में कोई ये नहीं कर सकता था कि क्योंकि अमेरिका जो है परमाणु बम गिरा देगा, और उसने उसका प्रयोग कर दिया, जबकि उसकी भयावहता को लोग भलीभांत समझते थे, विश्व के देश भलीभांत समझते थे। ओबामा जब आते हैं करीब करीब 2010 के आसपास, तो ओबामा अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, और ये डिफेंस और डिफेंस का जो इनका है डिपार्टमेंट, जिसका नाम इन्होंने DoD ही रखा है, डिफेंस ऑफ डिफेंस ही रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और ये जो है न्यूक्लियर पॉस्चर रिव्यू, न्यूक्लियर पॉस्चर रिव्यू एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जिसके चार जो है थियरीज ये देते हैं, जिसमें है रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फोर्स ऑप्शंस, न्यूक्लियर सिक्योरिटी। इसको सब मिलाकर कहा गया है कि जो ओबामा की जो पॉलिसी थी, अब इसके बाद जो है न्यूक्लियर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सेफ्टी, ये इनके NPR में जो न्यूक्लियर पॉस्चर रिव्यू का जो डॉक्यूमेंट इन्होंने जारी किया था, उसमें इन बिंदुओं पर विशेष तौर से इन्होंने फोकस किया। अब अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह अपनी विदेश नीति के हिसाब से चलता है, और जो भी उनकी विदेश नीति है, यानी कहने का मतलब है कि जिस जो नीतियाँ जो उनके नीति निर्माता हैं जो नीतियाँ बनाते हैं, उन नीतियों के आधार पे ही वो काम करते हैं, उसे आगे कुछ नहीं करते हैं।
यानी कि उनका सिस्टम जो भी कुछ है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड वो बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि अस्पष्ट है और यह किसी को पता नहीं है। लेकिन वो चूंकि जो पॉलिसी है पॉलिसी के आधार पर अब जितना बाहर आता है उसी के बारे में मतलब हम लोग जान सकते हैं या विश्व के और भी देश जान सकते हैं डिफेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट या टीचर जान सकते हैं। बाकी जो उनकी जो अन्य ये हर देशों के साथ ऐसे है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे इसराइल है। इसराइल ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम न्यूक्लियराइज स्टेट हैं, लेकिन उसके पास बड़े जब वो अपने हथियार को जब दूसरे कंट्री को देता है जैसे भारत को देता है या अन्य देशों को देता है तो तब पता चलता है कि ये ऑलरेडी इसके पास परमाणु बम या उससे भी खतरनाक जो बम हो सकते हैं वो उसके पास मौजूद होंगे। तो इजराइल ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम न्यूक्लियर क्लब के मेंबर हैं। हालांकि सिर्फ 9 ऐसे देश हैं जो घोषित रूप से अपने को न्यूक्लियर क्लब के मेंबर मानते हैं, जिसमें P5 है पावर 5 और 4 देश और हैं जैसे भारत पाकिस्तान साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया सॉरी नॉर्थ कोरिया और ईरान। अब सभी देशों को जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी कंट्री से के ही माध्यम से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो पूरी तरीके से चाइना बेस्ड था। पाकिस्तान कहने के लिए तो 98 में भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद किया, लेकिन वह अपना परमाणु परीक्षण 1986 में चगाई के पहाड़ियों में कर चुका था, लेकिन उसका कोई डाटा नहीं, उस परीक्षण का कोई डाटा नहीं है। लेकिन 98 में जो किया उस परीक्षण का डाटा उसने जारी किया था कि हम परमाणु क्लब में शामिल हैं। पाकिस्तान की जो परमाणु नीतियाँ थी ये 1969 से शुरू होती हैं जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो कहते हैं कि हम खास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। कारण यह था कि 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान बुरी तरीके से पराजित हो चुका था और उसके पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था, तो अमेरिका भी पाकिस्तान को उस समय सपोर्ट कर रहा था और चीन से भी उसको समर्थन मिल रहा था। तो इस वजह से उनके जो वैज्ञानिक थे अब्दुल कादिर, हालांकि बाद में उनकी जो दशा हुई उसको आप लोग होंगे कि कितने संकटों का सामना करना पड़ा उनको, तो चूंकि अब फेल्ड स्टेट के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, हम अगर जैसे जिसको भी हम अपना आदर्श बनाएं वो ये देख के बनाएं कि ये आदमी कितना मतलब प्रभावशाली है कि नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए या अपने देश के लिए कितना काम कर सकता है उसको हम आदर्श बनाएं, हम किसी ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को क्यों अपना आदर्श बनाएं। तो फिर आते हैं आगे, इसके बाद ट्रंप आते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के 2018 में और ईवी जो है नेशनल पास्चर रिव्यू को ही महत्व देते हैं। नहीं तो फिर हमें क्योंकि आप ये देखे होंगे कि
अफगानिस्तान हो चाहे कुछ भी हो, अफगानिस्तान के मामले में भी ट्रंप ने चूंकि कतर में उसके लिए समझौता किया कि हमारी सेनाएं वापस होंगी, तो ट्रंप जो है वो ये थोड़ा सा युद्ध या न्यूक्लियर वार है किसी भी तरह के उससे वो परहेज करते रहे कि हम इसको जो है हम आगे ना बढ़ा के इसको हम इसी पर स्टेबल रखें, कहने का मतलब यह है। भारत ने इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया
और भारत ने ये कहा कि हम उन देश जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड के हैं, जो विकसित नहीं हैं, विकासशील भी नहीं हैं, विकास की प्रक्रिया में आगे हैं और निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, तो अब जो भारत उनका समर्थन करता था, इसलिए बहुत जगहों पर अमेरिका सफल नहीं हो पाया। अमेरिका यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए क्यों विरोध करता है भारत का? आप खुद सोचिए कि यह एक बहस का विषय है कि 1950 में जो अमेरिका चाइना की जगह पर भारत को अस्थायी सदस्यता दिलवाने का प्रयास कर रहा था कि भारत अस्थायी सदस्य बन जाए, आज अमेरिका वो विरोध करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि क्योंकि भारत एक सशक्त है, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इतने बड़े डेमोक्रेटिक होने के नाते बहुत सारे देश भारत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और अमेरिका यह जानता है कि भारत के पास ऐसी क्षमता है कि विश्व शक्ति बन सकता है, तो इसलिए भारत को अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले। वो कहता है कि भारत छठा सदस्य तो बन सकता है, लेकिन वीटो भारत को नहीं दिया जा सकता है। तो अमेरिका, क्योंकि मेन आपके प्रश्न का सीधे सीधे उत्तर यही है कि चूंकि जो शक्तिशाली है वो शक्तिशाली है, वह कहीं भी अपने पावर का मिसयूज कर सकता है, और उसके पास वीटो पावर है। एक चीज और है, तो अब जो पांच देशों को जो वीटो प्राप्त है, तो उससे अब वो कोई भी आदेश कर सकते हैं। अच्छा, उसमें से एक भी देश अगर अपने वीटो का प्रयोग करता है तो ये समझिए कि फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए जो है यही कह सकते हैं कि जिसके पास शक्ति है वो शक्तिशाली है, तो इस वजह से अमेरिका इंटरवेंशन करता रहता है। तो वीटो ये कारण है जिसके कारण चाहे उत्तर कोरिया पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा कुछ? बिल्कुल, आप खुद देखिए कि जैसे ऐसा लग रहा था कि ट्रंप, कभी लगता था कि ट्रंप उत्तरी कोरिया पर हमला कर देगा, कभी लगता था कि अब दोनों लोगों में मतलब वार्ता शुरू हो गई, तो न ट्रंप कुछ किए न किम जोंग कुछ किए। तो ये अच्छा, तमाम सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो दिखावे के लिए होती हैं, विश्व मंच पे दिखावे के लिए होती हैं, और वास्तविकता कुछ और रहती है। उसके बाद ट्रंप के बाद बाइडन की भी लगभग पॉलिसी वैसे ही है, बाइडन में भी कुछ नहीं बदला, ये भी अपना वैसे ही है, जो उनकी स्ट्रेटजी थी उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, और ये जो उनका डॉक्यूमेंट है रिव्यू पास्ट रिव्यू का, उसी के आधार पर ये अपने सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सोवियत संघ ने बनाया था, जिसको
बाद में जिस गिंटन हो गया जो रूस के नाम से जाना जाता है। कोल्ड वॉर फेज जब शुरू हुआ तो अमेरिका और रूस का कंपेरेटिव स्टडी तो मैं बताया था कि कैसे कैसे मतलब पीछे भी हम लोग उसके बारे में पढ़े, लेकिन आगे इस शार्ट में ही मैं इसको बता देता हूँ। सोवियत संघ के विघटन के बाद पहले राष्ट्रपति वहां बने बोरिस एल्सिन, और उन्होंने भी अपने उसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जो पॉलिसी यूएसएसआर लेके चल रहा था, यानी सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ जो लेके चल रहा था, और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण एक टर्म है डिटरेंस का, जो आप लोग जानते होंगे डिटरेंस के बारे में, तो ये उस टर्म को लेकर के आगे बढ़े कि हम जो है भयदोहन की जो डिटरेंस मतलब भयदोहन या भय निवारक इस तरह की उसके टर्म्स हैं, तो ये डिटरेंस को पॉलिसी को लेके आगे बढ़ना शुरू किए। और अमेरिका और रूस के मध्य एक हथियारों की होड़ मच गई। रूस जो है साम्यवादी गुटों पर, यानी चीन को हम ये नहीं कह सकते कि चीन मतलब अपने से अपने परमाणु क्षमता विकसित की है, यानी चीन और रूस मतलब पूर्व सोवियत संघ से शुरू हुआ और वर्तमान में जो रूस है, तो चीन को रूस ने ये इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो मिनरल्स की जरूरत थी वह सारा कुछ रूस ने ही उपलब्ध कराया। और इन्होंने अपनी पूरी न्यूक्लियर पॉलिसी को यूएसए बेस्ट बना के रखा। 2020 में इन्होंने अपना ट्रांसपेरेंट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जारी किया। और ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट पर पूरा फोकस किया। और जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो थीम है न्यूक्लियर स्टडी की, वो रिजर्व द राइट टू यूज। और जो मिलिट्री से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट जो भी होंगे उसमें इनका इसी सिद्धांत पर ये आगे बढ़ेंगे इनकी पॉलिसी। पुतिन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द रशियन फेडरेशन ऑफ न्यूक्लियर डिफेंस, जैसा कि मैं अभी डिफेंस के बारे में चर्चा कर रहा था। डिफेंस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि शत्रु या जो भी इनमीज कंट्री है उसको सैनिक कार्रवाई करने से हतोत्साहित करना है, और ऐसा उसके समक्ष लागत एवं जोखिम के शुभ अवसर का दबाव डाल के किया जा सकता है ताकि संभावित लाभ या तत्कालीन लाभ में वृद्धि की जा सके। कहने का मतलब यह है कि भय के द्वारा हम किसी भी कंट्री को जैसे कि अपने साथ ले सकते हैं या अपने साथ से हटा अपने गुटों से उसको बाहर कर सकते हैं, या भय के द्वारा हम उसको डरा देंगे, इतना डरा देंगे कि वह हमारे खिलाफ मतलब किसी भी तरह का कोई अवांछनीय चीज़ों के बारे में सोच न सके। हाँ, इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द रशियन फेडरेशन इन न्यूक्लियर डिफेंस, इसको चाहो तो नोट कर लो।
एक ही न्यूक्लियर ऑफ स्टेट वाज ही न्यूक्लियर डिफेंस हां रशियन फेडरेशन आर न्यूक्लियर डिफेंस इट इज उसके बाद उसमें पैरा चेंज करके थोड़ा सा लिख लो तीन चार लाइन इट इज ए सिग्निफिकेंट एडवांस इन डॉक्ट्रिनल ट्रांसपेरेंसी सिंस रशिया इन लाइन विद द इट इज सिग्निफिकेंट एडवांस इन डॉक्ट्रिनल डॉक्ट्रिनल ट्रांसपेरेंसी सिंस रशिया in the line with the predecessor the Soviet Union has never published a specific document on nuclear deterrence Soviet Rus ne ya Rus ne ye kabhi bhi apna specific document ko publish nahi kiya hai नंबर सेकंड रशिया फॉर्मली क्लासिफाइड दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मली क्लासिफाइड दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पैरा चेंज करके मतलब ये हेडिंग है डॉक्यूमेंट and the principal version of the basic principles issued in 2010 remain classified kar deta hu next its nuclear posture was described in Vagu language in its military doctrine yani inhone apna Vagu language mein military doctrine jari kiya hai nuclear doctrine nahi वो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज ना क्या है सर थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा It provides the ground for action by the governmental agencies. It provides the grounds for action by governmental agencies related to ensuring nuclear deterrence in accordance with their
सर इन अकॉर्डेंस विद देयर हाँ देयर ऑटो अथॉरिटी एक पॉइंट और है द इंक्लूड्स द वे द इंक्लूड्स द वे इन विच रशियन ऑफिशियल्स शुड सिग्नल रशियाज न्यूक्लियर इंटेंशन टू रिलीवेंट स्टेट्स एंड देयर एलाइज ये तो बंद हो गया इसको सब मिनिमाइज करो रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है रुक के देखें क्या